आपको ये दिया गया है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x का स्क्वायर, आपको ये y2 का मतलब क्या होता है डबल डेरिवेटिव, और y1 का मतलब क्या है आपका सिंगल डेरिवेटिव। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि ये एक्सप्रेशन आपके पास जो प्रूफ करनी है वो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस टू एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू टू है। तो ये आपको प्रूफ करना है, ये सोचिए या ये सोचिए, ठीक है। तो थोड़ा आपको आदत पड़ जाएगी इस तरह से एक्सप्रेशन देखने की। अब देखिए वाई आपके पास जो गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, और ये प्रूविंग वाला पार्ट हम हटा देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब ये डीवाई बाई डी एक्स हो गया, लेकिन यहाँ देखिए चेन रूल लगाना है। जब भी आप देखिए चेन का सीक्वेंस क्या होगा, जब भी आप एक्स की वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो पहले एक्स प्लेस करेंगे तो कौन ऑपरेट होगा, टेन इनवर्स ऑपरेट होगा, और टेन इनवर्स के बाद कौन ऑपरेट होगा, जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट होगी उस पर स्क्वायर ऑपरेट होगा। तो यही सिक्वेंस होगा आपका डिफ्रेंशिएट होने का, पहले आपका स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होगा, देन आपका कौन डिफ्रेंशिएट होगा टेन इनवर्स, देन आपका एक्स के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट हो ही रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 और 2 माइनस 1, अब इसके अंदर जो भी था वो कॉपी कर लेंगे हम लोग, तो दैट इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स। फिर क्या करेंगे, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो सिक्वेंस की आखिरी कड़ी थी या चेन की आखिरी कड़ी थी जो डिफ्रेंशिएट होनी थी, और सबसे आउटर फंक्शन आपका स्क्वायर था। खैर ये dy बाई डी एक्स आ गया, या इसको हम y1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो y1 इक्वल्स टू आपका देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके लिए सिस्टम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 2 टेन इनवर्स, और ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स x हो गया, से दैट इज़ अ इक्वेशन नंबर टू। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है ना, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और दूसरा आप क्या है y1 है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट सेल्फ ए फंक्शन है, y1 मतलब dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स भी आपका क्या है x का फंक्शन है, ठीक है। ये देखिए 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी x का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन y1 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, दो फंक्शन हो गए, ठीक है, u भी कह लीजिए या फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कह लीजिए, तो फर्स्ट dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन। वाई वन क्या था आपका, डी बाई डी एक्स पहले से था, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कहना चाहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख दें, वाई टू लिख दें। तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन को हम क्या लिख देंगे, वाई टू लिख देंगे। तो ये आपको आदत डालनी है डायरेक्ट लिखने की, कि वाई टू कैसे आ गया, वाई टू, ठीक है। तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, ये हटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ था, सेकेंड फंक्शन मतलब वाई वन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। और इस साइड में देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 2x आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस, ये 2x हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, तो 2xy1
that is equals to 2 by 1 plus x square. 1 plus x square से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन में, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट तो पहले से यहाँ पे थी और एक और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन, और इस साइड में सिर्फ क्या बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, यही आपको